अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। राजस्थान के बाड़मेर में फंसे गुजरात के दर्जनों दर्शनार्थी लॉकडाउन में लगा रहे गुहार, हमें घर भेज दो सरकार। कोरोना के लॉकडाउन के चलते गुजरात के दर्जनों दर्शनार्थी राजस्थान के बाड़मेर में इस कदर फंस गए हैं कि उन्हें खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। चंद दिनों पहले ये गुजरात के आमरोली से भादरिया दर्शन के लिए यह सोचकर निकले थे कि भगवान की पूजा अर्चना से उनके कष्ट मिटेंगे, लेकिन यहाँ तो लॉकडाउन ने उनकी मुसीबत और भी बढ़ा दी है। कुछ दयालु लोगों की मदद से इनका पेट तो भर जाता है, लेकिन यह सुविधा पर्याप्त नहीं है और इसीलिए ये गुजरात सरकार और बाड़मेर प्रशासन से खुद को अपने मुलुक भेजने की गुहार लगा रहे हैं। आप भी सुन लीजिए। या कोई सामग्री वगैरह सरकार की तरफ से कोई मिली? कोई नहीं है, वो नहीं तो क्या दर्शन करने आया, माता जी भादरिया तो रह गया। कहाँ गए थे? भादरिया जी गए थे। हाँ, भादरिया जी गया था, बस चालू थी जिदे ताटे मन कोई और के पार के कौन मौको जी जो कौन राजस्थान पहली बार दर्शन मारा कुड़देवीरा करने आया था। मेरा दो बच्चा छोटा छोटा घर छोड़ते ना आया, वहाँ गाँव जाना है, मेरे बच्चन को रखने वाला कौन बे छोरी घर है। अब गाँव जाना चाहते हो? हाँ मैं, हाँ मारा छोटा छोटा दो बच्चा है ना, पप्पा ही नहीं है भाई, मोटा जो दो मोटा अटे आ गया मोटे लार पहुँचवे कौन बस तो मोटे रुक गया दो महीनों आया माता माते हमें मोर जाओ नहीं देव ने बार बाप आटो बीजो दे मोर कितना दिन हाले कोई और कोनी पार कोनी कने जान को तो मोर जाओ नहीं व्यवस्था करो मारे बच्चा ने कहो तो वीडियो कॉल करने बता मजबूरी आए पप्पा ही कौन कौन पहुँचवे लार। बता दें कि गुजरात के कच्छ के आमरोली इलाके के रहने वाले इन दर्शनार्थियों में कुल 11 लोग हैं, जिनमें 4 महिलाओं के साथ 3 छोटे बच्चे भी हैं। 23 मार्च को दर्शन के लिए ये यहाँ पहुंचे थे, जब तक ये मुलुक लौटते उससे पहले ही संपूर्ण लॉकडाउन लग गया और ये बीच में ही अटक गए। उन्होंने बालोतरा के SDM और तहसीलदार से भी सिफारिश की, लेकिन कहीं से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही। पैदल चलकर जाने की अब हिम्मत नहीं बची है, ऐसे में दर्शनार्थी राजस्थान सरकार से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।